नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। क्या दुनिया वर्ल्ड वार 3 की ओर बढ़ रही है? मंगलवार रात ईरान के इजराइल पर हमले ने इस आशंका को गंभीर कर दिया है। मिडिल ईस्ट इस वक्त गंभीर तनाव से गुजर रहा है। इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया हाल ही में ईरान में घुसकर ढेर कर दिया गया था, और अब इजराइल ने एक ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्ला प्रमुख को भी मार गिराया। इसके बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। मंगलवार देर रात इस धमकी को सच करते हुए ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। पूरा आसमान मिसाइलों से छा गया। हालांकि इसराइल के मुताबिक उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसराइल के आयरन डोम ने ईरान के मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने मिसाइल दाग कर बहुत बड़ी गलती की है। यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। इस हमले ने पहले से ही अस्थिर मिडिल ईस्ट की स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ इसराइल और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है और एक तबका ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। बता दें कि एक तबका इसराइल के साथ भी खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में लंबी जंग की आशंकाओं से घिरे होने की बात कर रहे हैं। ईरान के इसराइल पर किए गए हमले के बाद दुनिया भर से मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसराइल को सैन्य सहायता की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र ने भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने की अपील की है। कुछ देशों ने इस हमले के बाद देश में संभावित बड़े संघर्ष की चिंता जताई है और अरब देशों की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। कुछ ईरान के समर्थन में हैं तो कुछ ने शांति की अपील की है। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए, सामरिक मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। क्या वाकई अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ा जा रहा है? जी, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। देखिए, जो मैं आपका सवाल में सुन पाया, मुझे आपकी आवाज ठीक तरीके से ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सर, क्या अब हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? जो हालात फिलहाल इजराइल ईरान में बने हुए हैं, उसके मद्देनजर पूरे विश्व में जो हालात बने हुए हैं, चाहे रूस यूक्रेन की हम बात कर लें या ईरान और इजराइल की हम बात कर लें, तो क्या ये जो स्थितियां बता रही है, जता रही है, क्या ये उस ओर इशारा कर रही है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो हालात हैं वो किसी तीसरे विश्व युद्ध में विश्व को ले जाएंगे, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध सस्टेनेबल नहीं है। और आज सभी महाशक्तियों के पास नाभिकीय हथियार हैं और उन नाभिकीय हथियारों को डिलीवर करने के लिए उनके पास डिलीवरी सिस्टम्स हैं। सभी के पास ट्रायड के जो सिस्टम्स हैं वो महाशक्तियों के पास मौजूद हैं और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज सभी महाशक्तियां रखती हैं। तो ऐसे में जो कोई भी अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो वो न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा, और न्यूक्लियर वॉर यदि होता है तो ये एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे हम मैच की सिचुएशन कहते हैं, उसको जन्म देगा। और ये कोई विश्व का नेता इसे इसमें नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ये एक सर्वनाशी स्थिति पैदा करेगा। एक राष्ट्र के द्वारा किया गया नाभिकीय हमला दूसरे राष्ट्र का की तरफ से उसका रिस्पॉन्स आएगा और ये जाहिर है कि सभी को समाप्त कर देगा, पूरी मानवता के लिए एक सर्वनाशी स्थिति पैदा करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि नाभिकीय हथियारों का, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में महाशक्तियों के पास प्रेजेंस है, बड़ा जखीरा है, तो ऐसे में किसी विश्व युद्ध की संभावना में नहीं देखता।
लेकिन तो इस तरीके के जो आतंकवाद की जो चुनौती है, जो एक लिमिटेड वॉर का जो खतरा है उसकी जो चुनौती है वो बनी रहेगी। और ये युद्ध ऑलरेडी चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो जाहिर है कि 2.5 वर्षों से भी ज्यादा समय से जारी है। और अब इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, ये भी लगभग 1 वर्ष का ये समय होने जा रहा है, 7 अक्टूबर का समय फिर से आ रहा है। और जाहिर है कि अब ईरान और इसराइल के बीच भी इस तरीके का तनाव पैदा हो गया है जो कि एक युद्ध जैसी स्थिति दिखाई देती है। लेकिन अभी मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन अभी नहीं हुआ है। और ये युद्ध इस युद्ध को क्या रीजनल एस्केलेशन नहीं होता है तो ही ये ईरान के लिए भी, इसराइल के लिए भी और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन तथा विश्व के लिए अच्छा होगा। क्योंकि यदि कोई स्टेट टू स्टेट वॉर मिडिल ईस्ट रीजन में छिड़ जाती है, इसराइल और ईरान के बीच में कोई सीधा युद्ध छिड़ जाता है तो इसमें जो जो विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं उसके ऊपर विशेष रूप से इसका बहुत ही नकारात्मक असर पड़ेगा। और पूरे विश्व में जो तेल के जो दाम है बहुत बढ़ेंगे। और जाहिर है कि ये मुद्रा स्फीति का जो संकट जिससे कि विश्व पहले ही से ही जूझ रहा है उसको और अधिक ये खराब स्थिति में ले जाएगा। तो नेहा जी, मेरा ऐसा मानना है कि विश्व युद्ध की जो स्थितियां स्थिति में जाने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बचेगा, महाशक्तियां इसमें नहीं जाना चाहेंगी। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध पिछले 2.5 वर्षों से जारी है लेकिन अभी तक रशिया की तरफ से एक कोई सिंगल गोली या कोई मिसाइल नेटो की टेरिटरीज में नहीं गिराई गई। और वहीं अमेरिका और नेटो की तरफ से रशिया की टेरिटरी में कोई एक सिंगल और गोली का हमला नहीं किया गया। क्योंकि ये जो महाशक्तियां हैं ये जानती हैं कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दें, जिस दिन महाशक्तियां एक दूसरे को टारगेट करना डायरेक्टली शुरू कर दें तो ऐसे में ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और जो कभी भी न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा और सर्वनाशी स्थिति पैदा करेगा। तो ये जो पूरी सिचुएशन है चिंताजनक अवश्य है, तनावपूर्ण बेहद तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन ये किसी विश्व युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ले जाएगा ऐसी मैं संभावनाएं नहीं देखती। ठीक है दिनेश जी, ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी है सर, इस स्थिति में ये किस सिचुएशन में इस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और क्या जब ये कदम उठाया गया तो अब आने वाला वक्त और ज्यादा खराब हो सकता है युद्ध को लेकर? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम, ये जो रिसेंट ईरान ने यस्टरडे जो 180 के आसपास जो है मिसाइलें दागी हैं इसराइल के ऊपर, तेल अबीब में, यरूशलेम में और गाजा के इलाके में, ईरान के मुताबिक जो है ये उन्होंने इसलिए रिटेलिएटरी एक्शन लिया है कि जो जुलाई के अंदर हमस का जो लीडर था, जो हमस का चीफ था इस्माइल हनिया, उसको जो है इसराइल ने ईरान के अंदर जो है उसे असैसिनेट कर दिया था, जहां वो इसराइली हमले के अंदर वो मारा गया था। ये उसका रिटेलिएशन था। अब बात आती है कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, जब किसी प्रकार का तनाव या आपस में युद्ध होता है तो कुछ एक एक्शन जो होते हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने पड़ते हैं और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने देश के लोगों को एकजुट कैसे रख सकते हैं, आप अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी का मोराल कैसे रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी किसी देश को कुछ ना कुछ रिटेलिएटरी एक्शन लेने पड़ते हैं ताकि उनका देश जो है जुड़ा रहे। अभी इसके बाद जो है इसराइल ने बहुत सख्त लहजे के अंदर जो है धमकी दी है या जवाब दिया है कि हम इस अटैक को रिटेलिएट करेंगे लेकिन समय और जगह का हमारा चुनाव होगा। तीसरी बात जो है, अमेरिका ने कल ही जो है एक स्टेटमेंट उनके यहां से आई है कि यूएस जो है वो अपना पूरी तैयारी के साथ मिडल ईस्ट के इलाके के अंदर हैं। वो उन्होंने अपने बेसिस को जो उनके मेडिटेरियन सी के आसपास हैं उन्होंने पूरी तरह से उनको और भी ज्यादा सशक्त किया है। ऐसी हालत में मेरा ये मानना है कि ईरान जो है अभी किसी प्रकार का डायरेक्ट एक्शन में इसराइल के साथ नहीं इन्वॉल्व होगा
और जो उसके अपनी प्रॉक्सीज हैं, जो एक्सिस ऑफ असिस्टेंस है, हमस है, हिजबुल्ला है, या उस तरफ यमन में होती है, उनके थ्रू ही ये इस प्रकार की लड़ाई को जारी रखेगा। जी मैडम, ठीक है। संजीव जी, जैसे ईरान के हमले के बाद जाहिर तौर पर एक्शन मोड में नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी, यानी कि ये क्या संदेश और ये क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है? और सबसे अहम सवाल इस बात को लेकर ही, दोनों तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, चाहे ईरान की बात कर लीजिए या फिर इसराइल की बात कर लीजिए, अब ऐसे में ये जो सपोर्ट मिल रहा है, ये क्या कहीं ना कहीं इस युद्ध को और ज्यादा भड़काने की कोशिश की तरफ हम देखें क्या? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये जो सिचुएशन है, ये संदेश तनाव पूर्ण है, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अन्य जो इसराइल और अमेरिका जैसी जो शक्ति है, वो इसको चाहेंगे कि इसका एक कोई रीजनल एस्केलेशन हो जाए, क्योंकि अगर इसका रीजनल एस्केलेशन होता है और तो ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को और पूरे विश्व को, और विशेष रूप से जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसको बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित करेगा, और जो कि पूरे विश्व के लिए एक काफी चिंताजनक स्थिति पैदा करेगा। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लगातार इस बात को कहता रहा है कि प्रयास इस बात के करने होंगे कि इसका कोई वाइडर एस्केलेशन ना हो। और जहां तक ईरान की तरफ से भी आपने देखा कि जो उनके राष्ट्रपति पेजेस्कियान का बयान आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने हाल के समय में इसराइल के द्वारा जो कार्रवाइयां की गई थी उसके बदले में ये उन्होंने एक रिटेलिएशन किया है। और ये जो रिटेलिएशन, नेहा जी, मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि ईरान के द्वारा ये जो रिटेलिएशन किया गया है ये एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। अमेरिका और इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो लगातार इसको लेकर के हाई अलर्ट मोड में थी, और इसराइल ने और अमेरिका ने अपने आप को इसके लिए तैयार भी कर रखा था, क्योंकि ईरान को अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी देश की जनता को ये बताना था कि कहीं ईरान जो इस तरीके के हमलों की जद में आ रहा है, इस्माइल हनिया को जिस तरीके से तेहरान में इलिमिनेट किया गया, और फिर उसके एलाइज हिजबुल्ला के चीफ को जिस तरीके से इलिमिनेट किया गया, उससे ईरान भारी दबाव में था, और ईरान को अपनी देश की जनता को भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये दर्शाना था कि वो कहीं से कमजोर नहीं है और वो भी रिटेलिएशन कर सकता है। तो ये जो पूरी जो ईरान के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, ये मैसेजिंग ज्यादा दिखाई देती है, और आपने देखा कि किस तरीके से ईरानी मिसाइल्स ने अनेक मिलिट्री जो टारगेट्स हैं इसराइल के उसको हिट करने की कोशिश की, और सिविलियन टारगेट्स को वो ऐसा लगता है कि उसको हिट करने से वो बचे हैं। तो ऐसे में ये जो कैजुअलिटी, इसकी वजह से आप देखिए तो ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं दिखाई देती है, और यद्यपि की ईरानियन हमले से रोकने के लिए अमेरिका के और इसराइल के जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम से अपनी पूरी भूमिका निभाई, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन ईरान इस हमले को करके एक मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं से वो कमजोर नहीं है और वो भी हमले कर सकता है, वो इसराइल को रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ईरान भी इसे इसके ऊपर के लेवल में नहीं ले जाना चाहेगा, कोई वाइडर इंस्टॉलेशन नहीं कराना चाहेगा, और ये जो पूरी स्थिति है ये अभी यहाँ तक भी सीमित रह सकती है, इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन जहां तक आने वाले समय में इसराइल के किसी एक्शन का प्रश्न है, तो इसराइल आप जानते हैं कि इस तरीके के हमले को वो अनरिस्पॉन्डेड नहीं जाने देगा, और उसका जो रिस्पॉन्स वो अवश्य करेगा, और लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है इसराइल का, वो जैसा कि उन्होंने कहा है कि अपने चूजिंग के आधार पर, अपने टाइम और प्लेस पर वो खुद डिसाइड करेंगे, और संभव है कि जो ईरान का के जो वाइटल इंस्टॉलेशन है इंक्लूडिंग उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, उस पर कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसी कार्रवाई करने से पहले ईरान अमेरिका के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करेगा, और दोनों की ये मंशा यही होगी कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से किया जाए कि ईरान को इससे क्षति भी पहुंचे, लेकिन इसका कोई वाइडर रीजनल एस्केलेशन ना हो, ये बात भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और इसराइल अवश्य ध्यान में रखेंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि ईरान भी इसको नहीं चाहता कि युद्ध का कोई वाइडर एस्केलेशन हो। ठीक है दिनेश जी, अभी मौजूदा स्थिति पे अगर हम गौर करें, नजर डालें, तो सैन्य शक्ति के हिसाब से कौन किस पर भारी पड़ता हुआ देख रहे हैं? हालांकि सपोर्ट भी है, एक तरफ अमेरिका
नेटो पूरा, दूसरी तरफ रशिया, चीन, तो ऐसे में और भी कई कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ आ रही है। दोनों तरफ अगर हम देखें तो क्या लग रहा है अभी की जो स्थिति है वो क्या बताती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के अंदर ना तो कोई आपका परमानेंट दोस्त है और ना कोई दुश्मन है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है वो हर देश का अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो 1979 से पहले इसराइल और ईरान जो थे ये बहुत अच्छे मित्र थे, शाहरजा पहली के रजीम तक। जैसे ही 79 के अंदर इन लोगों का रेवोल्यूशन होती है ईरान में, तो ईरान को अपने वर्चस्व या अपना दबदबा बनाने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनना चाहता। हैविंग सेड सो, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो रशिया अपने ही यूक्रेन की वॉर के अंदर है, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। चाइना के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो भी डायरेक्टली नहीं करेगा। तो ईरान के साथ अगर आप देखते हैं 47 या 48 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से कितने लोग जो हैं ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं? लेबनान है, सीरिया है, या इराक के अंदर इनके 1.5 लाख के करीब जो मलिशिया है ईरान के वो लोग हैं। बाकी डायरेक्टली जो है अभी तक जो है मुस्लिम वर्ल्ड में से भी ज्यादातर कंट्रीज ने अपना तटस्थ है वो अलग से है, वो डायरेक्टली बिल्कुल ना इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक और किसी प्रकार की जो है मदद दे रहे हैं। तो ईरान अभी के हिसाब से डायरेक्टली जो है युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर दुनिया भर की सैंक्शन है और उसकी इकोनॉमी भी आज की तारीख में इतनी प्रबल नहीं है। दूसरा जो है अभी वो कोशिश करेगा, ईरान कोशिश करेगा कि जो अपनी प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला, हमस और हूती, इन तीनों के थ्रू जो है वो अपनी प्रॉक्सी जंग को जारी रखेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो रिटेलिएटरी एक्शन था ये इन्होंने ईरान ने अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी को यूनाइटेड रखने के लिए किया है और वर्ल्ड को, लोगों को भी ये इम्प्रेशन देने के लिए मिसाइल अटैक किए हैं कि हम भी किसी प्रकार से, मतलब वी कैन आल्सो रिटेलिएट। अब आ जाती है स्ट्रॉन्ग मिडिल ईस्ट के अंदर, आज की तारीख के अंदर ईरान के पास जो है स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, उनके पास अप्रोक्सीमेटली 7 लाख जो है रेगुलर ट्रूप्स हैं और अप्रोक्सीमेटली 3 लाख जो है रिजर्व फोर्सेज हैं। तो टोटल उनके पास जो वॉर फोर्सेज है, लड़ने वाली जो उनकी सेना है, तकरीबन 10 लाख के आसपास पड़ जाती है। इतना सब होने के बावजूद भी मेरा ये मानना है कि ईरान जो है डायरेक्टली नाटो को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या इसराइल के साथ फिजिकली इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं होगा। जी ठीक है। संजीव जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए इस पूरे सिनेरियो में या भारत का जो अभी तक स्टैंड रहा है उसको आप कैसे देखते हैं और आगे कितना फूक कर कदम रखने की आप जरूरत समझते हैं और किस तरह की रणनीति होनी चाहिए आगे के लिए? देखिए, भारत हमेशा संवाद का पक्षधर है और ये जो मिडिल ईस्ट रीजन की जो समस्या है उसमें आतंकवादियों के विरुद्ध तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ संवाद की जो प्रक्रिया है वो भी आरंभ करने की आवश्यकता है। चाहे वो 2-स्टेट सोल्यूशन जो कि इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर के है, उसको उस तक पहुंचने के लिए भी संवाद की आवश्यकता है। इसराइल को और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उनको, उनके बीच में अगर कोई संवाद शुरू होता है और 2-स्टेट सोल्यूशन के संदर्भ में कोई बातचीत होती है तो निसंदेह इससे शांति के प्रयासों में मदद मिलेगी और इसराइल और पैलेस्टीन की का जो विषय का जो समाधान यही हो सकता है कि दोनों जो इसराइल और पैलेस्टाइन है वो दो संप्रभु राष्ट्र के तौर पर साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ हारमोनियस तरीके से रहें और सौहार्द के साथ रहें, और इसके लिए जाहिर है कि संवाद की आवश्यकता है। दूसरा, जो आतंकी हैं जो कि हमास, हिजबुल्ला, हूती जो जैसे जो आतंकी संगठन है, वो ये लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से
इसराइल के जो अरब वर्ल्ड के साथ जो उसका संवाद चल रहा है उसको तोड़ा जाए। और 7 अक्टूबर को जब एक बार फिर से 7 अक्टूबर की जो घटना की एनिवर्सरी आने वाली है, तो इस बात को समझना और इस बात को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है कि हमास के द्वारा जो 7 अक्टूबर को हमला किया गया पिछले वर्ष, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो इसराइल की सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, और यूएई और बहरीन जैसे राष्ट्रों ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया था, अब्राहम एकॉर्ड साइन जाने के बाद कई राष्ट्र इसराइल के साथ अपने संबंध बेहतर करते जा रहे थे, उसे रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे, ये आतंकी इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तोड़ना चाहते थे और ये संवाद जो चल रहा था उसको ये तोड़ना चाहते थे। और इसी वजह से आतंकियों के ऊपर एक काइनेटिक एक्शन, फिजिकल एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन इन आतंकियों की सबसे बड़ी हार तब होगी कि जब जो जो मिडिल ईस्ट के जो राष्ट्र हैं वो फिर से संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दें, फिर से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दें, फिर से रीजनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दें, तो ये जो इन आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का अगर आप पक्ष देखें तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर इस बात को कहा है कि जो ये युग है युद्ध का युग नहीं है, और संवाद ही किसी इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट का समाधान हो सकता है, निगोशिएटिंग टेबल पर ही बातचीत के माध्यम से ही ये समस्याएं सुधर सकती है, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हो, ये संवाद के साथ ही सुधर सकता है। आतंकियों के साथ भारत अवश्य है कि भारत आतंकियों के साथ भारत भी जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ काम करता है, और इसराइल ने जब आतंकवाद के विरुद्ध इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ रखी है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इसको स्पष्ट किया, हमारे अन्य जो शीर्ष मंत्रियों ने और हमारे ऑफिशियल्स ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत इसराइल के साथ खड़ा है। लेकिन साथ ही साथ भारत इस बात को भी देखना चाहेगा कि जो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे हो रही, जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, वो ऐसा ना हो, कोलेटरल डैमेजेस ना हो, और साथ ही साथ इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन ना हो, और इस बात को भारत लगातार कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू जी 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 चलिए बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।